हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय साइंस पीरियड। हम देख रहे हैं फोर्थ चैप्टर बर्ड्स एंड देयर नेस्ट। ओके, फोर्थ चैप्टर बर्ड्स एंड देयर नेस्ट। देन लास्ट पीरियड वी हैव लर्न फ्लाइटलेस बर्ड्स। ओके, दैट इज द पेंगुइन्स, ऑस्ट्रिच, कीवी एंड एमू। देन नेक्स्ट इज व्हाट हेल्प्स अ बर्ड टू फ्लाई। ओके, यानी एक बर्ड्स को उड़ने के लिए कौन कौन मदद करती है या फिर वो कैसे उड़ते हैं। ओके, तो ये सभी हमने देखा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। ओके, नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, इस पॉइंट को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज फ्रॉम एनिमीज एंड द वेदर। ओके, यानी बहुत से जो पक्षी है वो अपना घोंसला बनाते हैं, और घोंसला क्यों बनाते हैं, वो जब वो अंडा देने के लिए तैयार होते हैं। ओके, तो अपने अंडे को सुरक्षित रखने के लिए वो नेस्ट बनाते हैं, एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज, और अपने बच्चों के सुरक्षितता के लिए। ओके, अपने बच्चों को शिकारियों से बचाने के लिए भी ये इस नेस्ट को बनाते हैं। ओके, और मौसम से बचाने के लिए, शिकारियों और मौसम से बचाने के लिए मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। ओके, यानी ज्यादातर पक्षी अंडे देने के लिए, ओके, अंडों को सुरक्षित रखने के लिए, उसके बाद अपने छोटे बेबीज को शिकारियों और मौसम से बचाने के लिए नेस्ट को बिल्ड करते हैं। ओके, दे मेक देयर नेस्ट बाय देमसेल्व्स। ओके, मतलब ये अपना घोंसला खुद बनाते हैं, जो बर्ड्स होते हैं ये बर्ड्स अपना घोंसला खुद बनाते हैं। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन सेफ एंड हिडन प्लेसेस। ओके, मतलब बर्ड्स जो अपना घोंसला बनाते हैं वो एक सेफ जगह पे, ओके, सुरक्षित और छिपी हुई जगह पे बनाते हैं, ध्यान में रखना। यानी बर्ड्स मेक देयर नेस्ट बाय देमसेल्व्स, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन सेफ प्लेस, ओके, एंड हिडन प्लेसेस, यानी सुरक्षित और छिपी हुई जगह पे ये बर्ड अपने घोंसले बनाते हैं। लाइक दैट रूफ टॉप्स। ओके, रूफ टॉप्स मतलब ये अपना घोंसला कहाँ कहाँ पे बनाते हैं वो देखिए। लाइक दैट रूफ टॉप्स, ब्रोकन वॉल्स, ओल्ड बिल्डिंग। ओके, रूफ टॉप्स मतलब ऊंचाइयों पे, उसके बाद टूटी हुई इमारतें, पुरानी इमारतें, ओल्ड बिल्डिंग्स, द हॉलो ऑफ ट्रीज। ओके, ट्री की जो ट्रंक होती है, खोखली जगह पे भी ये अपने घोंसले बनाते हैं, एंड बशेस और झाड़ियों में। ओके, यानी इतनी जगह पे ये हिडन प्लेसेस में अपने घोंसले बनाते हैं। बर्ड यूज लीव्स, देन व्हाट आर द यूज इन बिल्ड टू द नेस्ट, कि नेस्ट को बिल्ड करने के लिए ये क्या क्या यूज करते हैं। ओके, देन बर्ड यूज लीव्स, यानी पत्तों का यूज करते हैं, ट्विंग्स, टहनिया, ग्रास, फेदर्स यानी पंखों का भी यूज करते हैं, उल, कॉटन यानी कपास, रैग्स, मड और द पीबल्स टू मेक देयर नेस्ट, यानी कंकड़ों का भी यूज ये अपने घोंसला बनाने के लिए करते हैं। ओके, द टाइप शेप एंड साइज ऑफ द नेस्ट वेरीज फ्रॉम बर्ड टू बर्ड, यानी हर एक बर्ड का जो नेस्ट अगर हम देखते हैं तो हर एक बर्ड का जो नेस्ट है वो शेप में भी आपको अलग नजर आएगा, साइज में भी अलग नजर आएगा, यानी बर्ड टू बर्ड ये चेंज होता रहेगा। ओके, यानी आगे मैं आपको कुछ नेस्ट दिखाने वाला हूँ, तो वहां से आपको पता चलेगा कि बर्ड टू बर्ड नेस्ट कैसे चेंज होता है। ओके, यानी उसका साइज है, शेप है, ये अलग अलग तरीके से होता है। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स में। ओके, यानी ज्यादातर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, वो घोंसले क्यों बनाते हैं, जब वो अंडे देने के लिए तैयार होते हैं तब, और अपने छोटे बेबीज को शिकारियों और मौसम से बचाने के लिए, ओके, मौसम से बचाने के लिए नेस्ट को बिल्ड करते हैं, और वो अपना घोंसला खुद बनाते हैं। ओके, दूसरों की मदद नहीं लेते हैं। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन सेफ एंड हिडन प्लेसेस, ऊंची और छिपी हुई जगह पे ये अपने घोंसले बनाते हैं। लाइक दैट रूफ टॉप्स, ब्रोकन वॉल्स,
ओल्ड बिल्डिंग्स, द हॉलो ऑफ ट्रीज, ओके, खोखली जो ट्रीज होती है अंदर से, वहां पे भी ये घोंसले बनाते हैं, एंड बशेस झाड़ियों में. बर्ड्स यूज लीव्स, देन व्हाट आर द यूज टू बिल्ड अ नेस्ट, सो बर्ड यूज लीव्स यानी पत्तों का यूज करते हैं, ट्विंग्स, ग्रास, फेदर्स, वूल, कॉटन, रैग्स, मड और पेबल्स टू मेक देयर नेस्ट. द टाइप ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द नेस्ट वेरीज फ्रॉम बर्ड टू बर्ड, यानी बर्ड टू बर्ड ये चेंज होता रहेगा. बर्ड टू बर्ड नेस्ट का जो साइज है, उसका जो शेप है, ये शेप चेंज होता रहता है. ओके, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं बुलबुल का घोंसला. ओके, सबसे पहले हम देख रहे हैं बुलबुल. बुलबुल आप सभी ने देखी है. ओके, अब बुलबुल बिल्ड इज नेस्ट इन हेज एंड बशेस. ओके, अभी बुलबुल क्या करते हैं, बुलबुल जब नेस्ट को बिल्ड करते हैं तो वो हेज या फिर बशेस में, झाड़ियों में उसको बिल्ड करते हैं, झाड़ियों में उसको बनाती है. ओके, द नेस्ट इज लाइक अ डीप कप, यानी आपने टी कप देखा होगा. ओके, कप जैसे अंदर से दिखता है. ओके, कप का जो साइज होता है लाइक अ डीप कप. ओके, डीप कप आपने देखा होगा, ये डीप कप जैसे बुलबुल का घोंसला दिखाई देता है. ओके, देन दिस कीप्स द एग्स एंड बेबी बर्ड्स फ्रॉम फॉलिंग डाउन. ओके, अभी यहाँ पे आप देखिए कि ये बुलबुल का नेस्ट है, बुलबुल का घोंसला है. ये बुलबुल का घोंसला देखिए, आप जैसे डीप कप लेते हैं. ओके, एक कप अगर हम लेते हैं पानी का समझो, चाय का समझो, तो वो अंदर से जैसे यानी गहरा होता है, डीप होता है, उसी तरीके से ये अंदर से गहरा होता है. ओके, और क्या कहा गया है कि धीस कीप्स द एग. ओके, यहाँ पे एग सुरक्षित रहते हैं एंड बेबी बर्ड्स फ्रॉम फेलिंग डाउन. और बेबी बर्ड्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं, ओके, मतलब बुलबुल के जो बच्चे होते हैं, इस बुलबुल के बच्चों को गिरने से बचाता है. ओके, मतलब ये बाहर नहीं निकल सकते हैं. ओके, तो ये बुलबुल का नेस्ट है, ध्यान से देखिए. तो ये बुलबुल. ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं टेलर बर्ड. ओके, जिसको दर्जी पक्षी कहा जाता है, टेलर बर्ड. अ टेलर बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट आउट ऑफ टू और थ्री लार्ज लीव्स. ओके, अब ये टेलर बर्ड जो है, ये टेलर बर्ड जब अपना नेस्ट बनाता है, ओके, नेस्ट को बिल्ड करता है, तब वो क्या करता है, दो या तीन बड़े पत्ते लेता है सिर्फ. ओके, टू और थ्री लार्ज लीव्स, बड़े पत्ते लेता है. देन इट इज कॉल्ड अ टेलर बर्ड. ओके, अभी इसको टेलर बर्ड क्यों कहा जाता है वो देखिए. ओके, व्हाट आर कॉल्ड टेलर बर्ड्स. ओके, इट इज कॉल्ड अ टेलर बर्ड बिकॉज, अभी इसे टेलर बर्ड क्यों कहा जाता है देखिए. इट यूजेस इट्स शार्प बिक. ओके, शार्प बिक मतलब इसकी जो नुकीली चोच जो होती है, ये नुकीली चोच सुई जैसी होती है. ओके, देखिए, इट इज कॉल्ड टेलर बर्ड बिकॉज इट यूजेस इट्स शार्प बिक लाइक अ नीडल टू सीव एंड जॉइन द लीव्स टूगेदर विद बीट्स ऑफ वूल, कॉटन और स्पाइडर्स वेब. अब यहाँ पे देखिए कि ये जो टेलर बर्ड है, ये टेलर बर्ड अपने शार्प बिक का यूज, ओके, शार्प चोच का यूज सुई जैसे करता है. ओके, लाइक अ नीडल, यानी जैसे सुई क्या करती है कि नीडल कुछ सीने का काम करती है. ओके, तो उसी तरीके से ये अपने बीक का यूज सुई जैसे करता है. और जॉइन द लीव्स टुगेदर, और जो दो या तीन पत्ते होते हैं उनको एक दूसरे से जॉइन करने का काम, विद बीट्स ऑफ वूल, मतलब वूल के कुछ बीट्स, कॉटन, कपास और स्पाइडर्स वेब. ओके, मकड़ी की जो जाल होती है, इसका यूज वो यहाँ पे करता है. आप देखिए ये टेलर बर्ड नेस्ट. ओके, मतलब इन सभी को वो जॉइन करता है यहाँ पे, और वहां पे वो सुई जिस तरीके से सीने का काम करती है, तो अपने बीक का यूज वो उस तरीके से करता है. ओके, और कॉटन और स्पाइडर्स वेब यानी मकड़ी की जो जाल होती है, इस मकड़ी की जाल का यूज वो यहाँ पे करता है, दैट इज अ टेलर बर्ड. ओके, इसलिए इसको टेलर बर्ड कहा जाता है. उसके बाद है द वीवर बर्ड वीव्स अ नेस्ट आउट ऑफ ग्रास. ओके, अभी वीवर बर्ड जो है, ये जो बर्ड है, ये बर्ड नेस्ट आउट ऑफ ग्रास. ओके, यानी ये अपना घोंसला ग्रास, फाइन स्ट्रिप्स ऑफ फॉर्म और बनाना लीव्स. ओके,
तो यहाँ पे बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं द वेवर बर्ड, ये जुलाहा पक्षी होता है। ओके, द वेवर बर्ड वेव्स अ नेस्ट आउट ऑफ ग्रास, मतलब ग्रास से ये अपना नेस्ट बुनता है, अपना घोंसला बुनता है। देन फाइन स्ट्रिप्स, ओके फाइन स्ट्रिप्स, देन और पॉम ऑफ बनाना लीव्स, ओके यानी ये बनाना लीव्स का भी यूज करता है। ओके, केले की पत्तियों का यूज करता है। द नेस्ट हैंग्स डाउन फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड द एंट्रेंस इज फ्रॉम द लोअर एंड। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पाम ट्री पे है अभी। ओके, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रास का यूज किया गया है और एक उसने घोंसला बनाया है। ओके, फाइन स्ट्रिप्स, और घोंसला बनाने के बाद इसको हैंग कर दिया, एक टहनी पे उसको लटका दिया है। और इसका जो मुंह होता है वो लोअर साइड में होता है। ओके, लोअर एंड में होता है, आप यहाँ पे देखते हो। इसका एंट्रेंस जो होता है, एंट्रेंस यहाँ से होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि पॉम और बनाना लीव्स, द नेस्ट हैंग्स डाउन फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड द एंट्रेंस इज फ्रॉम द लोअर एंड। ओके, तो इसका एंट्रेंस जो होता है वीवर्स बर्ड का, जो जुलाहा पक्षी होता है, इसका एंट्रेंस आप देख सकते हो यहाँ नीचे से होता है। ओके, लोअर एंड में। ओके, और यहाँ पे वो सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद है वुड कीपर का नाम आप सभी ने सुना है। ओके, द वुड कीपर कट्स अ होल होलो स्पेस इन द बार्क ऑफ अ ट्री। ओके, अभी यहाँ पे ये जो होल आपको नजर आ रहा है, तो ट्री में ऐसे छेद नजर आएंगे, तो आप समझिए कि यह वुड कीपर का काम है। मतलब अपने घोंसले बनाने के लिए, रहने के लिए, ये उस ट्री को, ट्री की खोखली जगह पे इस तरीके से होल कर देते ताकि वो अंदर आसानी से रह सके। ओके, मतलब उसको कठफोड़वा बोलते हैं हिंदी में। तो कठफोड़वा एक पेड़ की छाल में या एक छेद काटता है, ये अपने घोंसले के लिए इस खोखले स्थान का उपयोग करता है। ओके, होलो स्पेस इन द बार्क ऑफ ट्री, इट यूजेस दिस होलो स्पेस फॉर इट्स नेस्ट, और ये यहाँ पे अपना घोंसला बनाता है। ओके, उसके बाद देखिए स्पॉटेड ओलेट। ओके, स्पॉटेड ओलेट, स्पॉटेड जो ओल होता है वहां पे देखिए, स्पॉटेड ओलेट मेक्स अ नेस्ट इन द होलो ऑफ अ ट्री और अ वॉल, द नेस्ट इज लाइन विथ फेदर्स एंड ग्रास। अभी यहाँ पे इसका घोंसला आप देख सकते हो। ओके, ये होलो स्पेस में होता है, खोखली यानी पेड़ की जो खोखली जगह होती है, इस खोखली जगह पे ओल का नेस्ट होता है, और ये पंक्ति वाला होता है। द नेस्ट इज लाइन विथ फेदर्स एंड ग्रास। ओके, यहाँ पे पंख हो सकते हैं, ग्रास हो सकते हैं, यानी इस तरीके से ये स्पॉटेड ओलेट का नेस्ट होता है। ओके, तो अभी हमने देखा यहाँ पे बुलबुल नेस्ट देखा है, वीवर्स बर्ड नेस्ट देखा है, टेलर बर्ड नेस्ट, वुडकीपर्स नेस्ट, ओके, और स्पॉटेड ओलेट नेस्ट। ओके, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखने वाले हैं पैट्रीज मेक देयर नेस्ट इन द ग्राउंड। ओके, पैट्रीज जो पक्षी होता है, पक्षपाती जो होता है, ओके, पैट्रीज जो बर्ड है, ये बर्ड जमीन में अपना घोंसला बनाता है। ओके, जमीन में पैट्रीज मेक देयर नेस्ट इन द ग्राउंड, दे स्क्रैप द ग्राउंड विद देयर बीक्स एंड टू फ्रॉम अ हॉलो इन विच दे बिल्ड देयर नेस्ट, यानी जमीन को ये थोड़ा खुरचता है। ओके, अपनी चोंच से, यानी पक्षपाती जमीन में अपना घोंसला बनाने के लिए, ओके, पक्षपाती जमीन में अपना घोंसला बनाने के लिए वे अपनी चोंच, ओके, दे स्क्रैप द ग्राउंड विद देयर बीक। ओके, मतलब वो अपनी चोंच का यूज जमीन को खुरचते हैं। ओके, बिक्स टू फ्रॉम अ हॉलो इन विच दे बिल्ड देयर नेस्ट, यानी ये जमीन को खुरचते हैं और वहां पे अपना घोंसला बनाते हैं। दे यूज ड्राइड ग्रास एंड लीव्स टू मेक द नेस्ट कोजी। ओके, मतलब उस घोंसले में ये सूखी घास, ओके, सूखी घास और पत्तों का यूज करते हैं,
यानी ये सूखी घास और पत्तों का क्यों यूज कर रहे हैं? कि अपने घोंसले को आरामदायक बनाए, इसलिए। यानी अपने घोंसले को आरामदायक बनाने के लिए ये जो पेट्रिज बर्ड्स हैं, ये पेट्रिज बर्ड्स ड्राइड ग्रास और लीव्स इन पत्तों का यूज करता है और अपने घोंसले को आरामदायक बनाता है। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद एक कोयल के बारे में हम देख रहे हैं। अ कोयल इज अ वेरी लेजी एंड क्लेवर बर्ड। ओके, ये जो कोयल है, ये कोयल वेरी लेजी, बहुत आलसी होती है, लेकिन वो चतुर भी होती है। ओके, होशियार भी होती है, यानी लेजी के साथ साथ इसमें चतुराई भी होती है। शी डज नॉट बिल्ड अ नेस्ट। अब ये खुद घोंसला नहीं बनाती है, ध्यान में रखो। ओके, शी डज नॉट बिल्ड अ नेस्ट, यानी ये खुद घोंसला नहीं बनाती है। व्हेन शी इज रेडी टू ले एग्स, ओके, शी गोज टू द क्रोज नेस्ट। अभी देखो कि ये खुद तो अपना घोंसला नहीं बना रही है, लेकिन जब ये अंडे देने के लिए तैयार हो जाती है, तो अंडे देने के लिए ये कहाँ पे जाती है? शी गोज टू द क्रोज नेस्ट, यानी कौवे का जो नेस्ट होता है, इस कौवे के नेस्ट में, कौवे के घोंसले में कोयल चली जाती है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि वहां पे जाने के बाद ये क्या कर रही है। ओके, व्हाट दे हैपन, गोज टू द क्रोज नेस्ट, शी ब्रिक्स अ फ्यू ऑफ द क्रोज एग्स टू मेक प्लेस फॉर हर ओन एग्स। यानी कौवे के जो एग्स होते हैं, ओके, कौवे के जो अंडे होते हैं, वह उस घोंसले में जाने के बाद ये कोयल कौवे के कुछ अंडों को तोड़ देती है। ओके, ब्रिक्स अ फ्यू ऑफ द क्रोज एग्स, क्यू टू मेक प्लेस फॉर हर ओन एग्स, यानी अपने खुद के अंडों को जगह बनाने के लिए। ओके, खुद के अंडों के लिए, खुद के एग्स के लिए जगह बनाने के लिए ये क्रोज के कुछ अंडों को तोड़ देती है। ओके, देन मदर क्रोज, ओके, मदर जो कौवा होती है, ओके, मदर क्रोज डज नॉट नो दैट द कोयल हैज प्लेड अ ट्रिक ऑन हर। यानी ये जो मदर क्रोज है, ये समझ नहीं पाती है कि कोयल उसके साथ क्या चाल चल रही है। ओके, कोयल उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। देन शी हैचेज द एग्स एंड फीड्स द बेबी कोयल्स अलोंग विथ हर ओन बेबीज एंड दे लुक क्वाइट अलाइक। ओके, यानी शी हैचेज द एग्स और बाद में इन सभी, ओके, वो कौवा जो मदर क्रोज होती है, वो मदर क्रोज अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी हैचेस करती है, उनको तोड़ती है, फीड्स करती है। एंड द बेबी कोयल्स अलोंग विद हर ओन दे लुक क्वाइट अलाइक। अभी ये ऐसा क्यों करते हैं, देखो कि मदर कौवा को नहीं पता है कि कोयल ने उसके साथ क्या किया। ओके, लेकिन अपने अंडों के साथ साथ वो बाकी सभी अंडों को वहां पे तोड़ती है। ओके, उनको अपना दूध पिलाती है, क्योंकि कोयल और कौवे का जो रंग होता है वो सेम होता है, उनमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। तो वो जो मदर कौवा होती है, मदर क्रोज होती है, वो नहीं जान पाती कि कोयल के बच्चे कौन से और अपने कौन से है। ओके, तो ये कोयल जो है, ये कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो आज हम रुकेंगे भी यहीं पे, शायद 19 मिनट का वीडियो अभी ये हो गया है एक्सप्लेनेशन का, तो रुकेंगे अभी यहीं पे, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे केयरिंग ऑफ एंग बर्ड्स। ओके, और कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर, सी, स्टे होम एंड स्टे सेफ, सी यू टुमारो। ओके।